लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में 29 अक्टूबर से सुनवाई होनी थी, लेकिन अब जनवरी 2019 से सुनवाई होगी। 29 अक्टूबर से देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम जन्मभूमि के मामले में सुनवाई होनी थी। अब ऐसे में जब कोर्ट के अंदर 3 जजों की बेंचों ने सुनवाई शुरू की, महज 5 मिनट के बाद खबर आई कि अब ये सुनवाई जनवरी 2019 से होगी। मतलब साफ है कि जनवरी 2019 तक भगवान राम को अयोध्या में अभी त्रिपाल में ही रहना होगा, क्योंकि कोर्ट ने जनवरी 2019 का नया तारीख मुकर्रर किया। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जनवरी 2019 में आखिर क्या कुछ निकल के आता है, क्या वही होगा जो अभी तक होता है, यानी तारीख पर तारीख। एक और अयोध्या राम जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जहां सुनवाई होनी थी, तो वहीं अयोध्या में साधु संत और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर भगवान राम का भव्य राम मंदिर बने इसके लिए राम के प्रांगण में हवन पूजन का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने बुर्का पहनकर भगवान राम के मंदिर के लिए यज्ञ किया। देखिए, इस यज्ञ के बाद संत समाज और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश की जनता को मैसेज देते हुए ये साफ कहा कि हम भगवान राम का मंदिर ही अयोध्या में चाहते हैं, और ऐसे में हिंदू मुस्लिम के बीच जो नींव खनी जा रही है, उन सभी बातों को दरकिनार किया। अतिशीघ्र राम मंदिर निर्माण महायज्ञ का आयोजन रहा आज। विश्व इतिहास में पहली बार जो है हिंदू आचार्य और मुस्लिम यजमान दोनों लोग आगे आए, और ये जो लंबे समय से हिंदू मुस्लिम को जो एक लोग जो है तूल दे रहे थे विवाद का, आपसी जो है कई बार रंजिश पैदा करने की जो ये साजिश की जा रही थी, उसको आज हम लोग दरकिनार कर दिए हैं। यज्ञ किया गया है आज, जैसे कि 2.5 वर्षों से हम मुस्लिम समाज के लोग अयोध्यावासी, जहाँ पे राम ने जन्म लिया है मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे हमने भी जन्म लिया है, सौभाग्यशाली हूँ मैं। और जब से मैंने होश संभाला है हमको यह एहसास हुआ है, और ये भी हमने जानकारी किया है कि राम हमारे पूर्वज हैं, हम राम के ही वंशज हैं। हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, और राम लला हमारे टेंट में हैं, और वो अब बर्दाश्त कत नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर 29 अक्टूबर का दिन बेहद खास माना जा रहा था, क्योंकि पिछले कई दिनों के बाद राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई होने जा रही थी, जो कि नहीं हो पाई। ऐसे में कोर्ट से मंदिर के मुद्दे पर क्या कुछ बाहर निकल कर आता है जनवरी में, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुनवाई से पहले एक बार फिर राम पर राजनीति तेज हो गई है। प्राइम टीवी के लिए फैजाबाद से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।